पार्टी में भाजपा नेता के मारे जाने के बाद हालात संवेदनशील हो गए हैं और लोगों का गुस्सा अब पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जमकर फूट रहा है। सुनिए, राजौरी के एक शख्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ क्या कहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है, उसने एक बड़ी शर्मनाक हरकत की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं अनिल परिहार जी और उनके भाई, उनको घात लगा के हमला करके उसमें वो शहीद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान कई बार आगे ये काम कर चुका है, चाहे वो बॉर्डर में देखिए जो हमारे फौजी जवान हैं, कभी उनके गले काट के ले जाता है, कभी धोखे से हमला करता है। पाकिस्तान की जो ये हरकत है, ये मैं कहता हूँ, मैं जो हमारे प्रधानमंत्री नए बने हैं इमरान खान साहब, मैं उनकी निंदा करता हूँ, क्योंकि हमें लगा था शायद नया प्रधानमंत्री आया है, इसमें कोई अच्छा काम करेगा, पर ये भी वही प्रधानमंत्री सहम रहा जैसे बाकी वाले थे। इन्होंने भी वही काम किया, क्योंकि इमरान खान से लोगों को बड़ी आशा थी, क्योंकि ये हमारे देश के साथ दो दो हाथ में पहले भी किए हुए खेल के मैदान पर, तो हमें लगा ये शायद कोई अच्छी जो हमारा संदेश निकलेगा हमारी ओर से भी और पाकिस्तान की ओर से भी, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लगता है पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बताते चले आपको कि किश्तवाड़ में चरमपंथियों ने भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई को मार दिया है। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।